तो चलो भैया से पूछते हैं, ये इन्वर्टर का प्रॉब्लम कब से था और कैसा हो रहा था, कब धन्यवाद से? देता हूँ कमलेश भाई को, थैंक जो यू। कि मेरे घर का वायरिंग को ठीक किए हैं। उसके साथ 1 साल हो गया मेरे को अच्छा, इन्वर्टर बैटरी लगाते हुए। हाँ बार बार जब भी लाइट जाता था या आता था, आवाज़ करता था, उसके साथ ब्लिंक करके बंद हो जाता था, फिर 2 सेकंड अच्छा, के बाद फिर चालू होता था, अप डाउन होता था। मैं बीच में डर गया था कि इन्वर्टर तो ख़राब नहीं है बोल के। जानेंगे देखेंगे इन्वर्टर के आउटपुट पे यहाँ पर से 220 वोल्ट आ रहा है, उसको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, ये डायरेक्ट लाइन आ रहा है, ठीक है। और ये दोस्तों एक और नया वीडियो में आप लोग का स्वागत है दोस्तों, और आप देख रहे हो कमलेश इलेक्ट्रीशियन चैनल। तो दोस्तों आज के टॉपिक में आपको बताने वाले, एक घर पे इन्वर्टर पे प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो आपको बता ही देते हैं प्रॉब्लम कौन सा था और आप सॉल्व कैसा किए। तो हम आपको तो वीडियो पे डिटेल बताएंगे, हम आपको प्रॉब्लम बताते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है। जैसे कि आपको पता है हमारा 3 पिन टॉप रहता है इन्वर्टर के पीछे एरिया में, तो उसमें हम लोग को रिटर्न करेंट आ रहा है। तो उसको हम लोग प्रॉब्लम ढूंढे तो पता चला रिटर्न करंट आ रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। काफ़ी जगह आपको पता चल गया होगा, ये जैसे इन्वर्टर में हमारा रिटर्न करंट आएगा तो प्लग में लगाएंगे तो इन्वर्टर प्रॉब्लम था वहाँ पर बार बार, तो 2-3 बार हुआ भी, तो भी अब कॉल किए, उसके बाद हम लोग गए वहाँ पर और प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल बताया गया किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। तो दोस्तों वीडियो पर नहीं आए तो चैनल को ले सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसा सा रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर है इन्वर्टर, और ये इन्वर्टर तो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, यहाँ पर मेन लाइन भी चल रहा है, चार्जिंग भी हो रहा है और यूपीएस से भी चल रहा है ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर बंद करके इसका लाइन, ये स्विच बंद कर दिए, फिर यहाँ पर हमारा लाइट चार्जिंग बंद नहीं हो रहा, आप देख रहे हो। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग स्विच पे हम लोग बंद कर दिए और ये चार्जिंग अभी तक बंद नहीं हुआ है। तो चलो एमसीबी पे देखते हैं, यहाँ पर ये 16 एम्पियर का जो है मेन एमसीबी, इसी में हमारा इन्वर्टर था, अभी भी हमारा चार्जिंग बंद नहीं हो रहा है। तो देखिए इसको हम लोग जैसे शट डाउन किए ना, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा यूपीएस का चार्जिंग मोड बंद हो गया। तो हमारे पास दो दो है ऐसा लग रहा है क्या एक सर्किट पे? तो हम लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है वो ढूंढना है। इसमें क्या हो रहा है, भैया का कहना ये है एक यूपीएस मोड पे रहता है ना तो काफ़ी आवाज़ आ रहा है, और इसमें जितना भी जैसे लोड ज़्यादा हो गया वैसा लग रहा है, फिर यूपीएस का कनेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन शट डाउन कर देते हैं पहले और आपको मेन चालू करके दिखाते हैं। देखिए यूपीएस का चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, और ये अभी मेन बंद करके रखे हैं, ठीक है। ये भी चार्जिंग मोड बंद है और यूपीएस मोड से चल रहा है, और ये देखिए एक प्रॉब्लम हो गया अभी स्टार्टिंग। देखिए ये क्या हो रहा है, ये बंद चालू हो रहा है लाइट ऐसा, और ये फ्लैक्चुलेट हो रहा है जैसे पावर कट रहा है वैसा। तो ये प्रॉब्लम है, और ये लाइट जाने के बाद तो बिल्कुल नहीं चल रहा, तो ये प्रॉब्लम क्या है चलो आपको बताते हैं। आप सोच रहे थे न्यूट्रल का होगा ना, तो चलो न्यूट्रल उठा देते हैं, ये फेस था और ये न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल उठाने के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, देख रहे हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग दोनों पॉइंट को उठा लेते हैं, ये मेन है 32 एम्पियर का, और ये ऑन करने के बाद हम अपने चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये बोर्ड पे पावर चेक करने वाले हैं सही तरीके से आ रहा है नहीं, उसके बाद उधर का आउटपुट हमारा कैसे जा रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी खोलने वाले हैं, और कहीं पर तो शॉर्ट सर्किट नहीं है, नहीं तो अभी तक तो ये बंद हो जाता। यूपीएस जो हम लोग चार्जिंग करते हैं ना, वो बोर्ड को खोलने के बाद भी हमारा लाइन चल रहा है, आप देख रहे हो यूपीएस मोड पर आ गया। और ये देखिए यहाँ पर इन्वर्टर भी चल रहा है, फैन भी चल रहा है, मेन लाइन को डिस्कनेक्ट नहीं किए हैं, और पूरा ये जो है यूपीएस मोड वाला जो ऑप्शन है वो ऑन है। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग मेन बंद करके देखते हैं एक बार और, तो देखिए पूरा शट डाउन हो गया ये, और तो ये यूपीएस का सिंबल ऑन है, और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर जो है 3 पिन टॉप बाहर कर दिए, इसमें हम लोग का रनिंग अर्थिंग बिना मिले चल रहा है, और यूपीएस पे वायर जो है एक ही पीस लगा है। चलो आपको दिखाता हूँ पीछे तरफ, देखिए और वन पीस लगा है, और इस तरीके से यहाँ पर कहीं पर लीकेज हो गया ऐसा लग रहा है अपना करंट, क्योंकि ऐसा हम लोग का प्रॉब्लम होता है तब होता है ऐसा। तो एक वायर पे यहाँ पर सप्लाई जा रहा है, तो आपको प्रॉब्लम समझ आ गया ये कहाँ पर है। मेरे को लग रहा है यहाँ पर कहीं से रिटर्न आ रहा है करंट, क्योंकि ये इस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो ये देखिए बंद करने के बाद भी हम लोग का जो है इन्वर्टर कनेक्शन ऑन है,
और इसको फिर से चेक कर लेते हैं यहाँ पर हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं मल्टीमीटर से, नहीं तो सीरीज लैंप से। तो चलो मल्टीमीटर ले आए और वोल्टेज चेक करते हैं यहाँ सही मिल रहा है कि नहीं। सही तो मिल रहा होगा क्योंकि ये फ़ोन हम ये UPS चार्जिंग हो रहा था अभी। देखिए यहाँ पर 210 आ रहा था ऐसा लग रहा है, 218 ठीक है, 218-19 आ रहा है सप्लाई। फोटो ले लो, यहाँ पर इन्वर्टर कनेक्शन है और ये इसमें हम लोग को चेक करते हैं। मेरे को लग रहा है कहीं से लीकेज करंट आ रहा है यहाँ पर, इसमें भी तो शो कुछ नहीं हो रहा है। इसको हम लोग पॉइंट करते हैं फिर से और इसका साउंड सुनिए आप कैसा आ रहा है इन्वर्टर का। बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रहा है जैसे कि इसमें से अपने को करंट जो है फॉलो हो रहा है। और ये चार्जिंग मोड पे नहीं है अभी भी, अभी ऑन करते हैं तो देखिए यहाँ पर चार्जिंग मोड पे आ गया ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को चेक करते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स खोल दिए और यहाँ पर सर्किट लोग को चेक कर रहे हैं। ये फेस आ रहा है, ये हमारा न्यूट्रल है ठीक है। तो MCB लोग में आउटपुट जा रहा है नहीं, देखिए फेस तो जा रहा है और ये वाला फेस भी जा रहा है। तो ये कौन सा में लगा है मेरे को, देखिए ये वाला वायर लग रहा है ऊपर से आया है और ये जो है कहाँ पर गया, स्विच पे गया ठीक है, ये स्विच बोर्ड पे। तो ये मेन हुआ ये वाला ठीक है, ये 16 का हमारा मेन है। फिर देखिए इसको बंद करने के बाद भी ना हमारा ये चार्जिंग हो रहा है और ये फेस आ रहा है देख रहे हो रिटर्न, आपको समझ आ रहा है ना। हम लोग स्विच बंद कर दिए तो फेस जा रहा है, तो ये सोच रहे होंगे आप गलत होगा। तो नीचे से देखते हैं, नीचे भी फेस आ रहा है ठीक है, नीचे सही है देखिए, नीचे सही है फेस है और ऊपर भी फेस जा रहा है रिटर्न। तो ये कहाँ से आ रहा होगा वो भी हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। और ये देखिए इधर भी हम लोग MCB डाउन करते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा फेस रिटर्न आ रहा है। तो ये UPS का फेस अपने को रिटर्न आ रहा है, देखिए अभी इसमें बंद हो गया और ये वाले में आना चालू हो गया आप देख सकते हो। और बाकी में देखते हैं, ये देखिए इसमें सही है, हल्का सा इसमें फ्लो हो रहा है, ये वाला MCB पे अभी आना चालू हो गया। तो हम लोग को जो है ये वाला बंद हो गया और ये वाला आना चालू हो गया। तो ये वाला सर्किट जो है UPS से कोई ताल्लुकात नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर जो है ये अंदर तरफ गया है ठीक है। तो ये वाला MCB का जितना भी लाइन है वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉब्लम इसी लाइन पे होगा, क्योंकि UPS का हमारा वायर जा रहा है और इससे रिटर्न आ रहा है देख रहे हो, ये फेस आ रहा है रिटर्न ठीक है। जैसे हम लोग UPS का प्लग खोल देंगे ना तो ये बंद हो जाएगा। चलो आपको दिखाते हैं खोल के, देखिए UPS का वायर खोल दिए और आप सोच रहे होंगे ना लाइट बंद हो गया होगा, तो लाइट बंद अभी भी नहीं हुआ। तो समझ गए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमारा जो है ये लीकेज करेंट है यहाँ से, देखिए इस MCB से नहीं था, यहाँ से खाली ओनली चार्ज हो रहा है ठीक है। ये देखिए यहाँ पर चार्जिंग मोड पे आ गया और उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें लीकेज करंट है, ये ऑन करने के बाद UPS में हमारा रिटर्न करंट आ रहा है, देखा है आपको कैसा हो रहा है। ये देखिए तो ये प्रॉब्लम होने से आपको पता है ना क्या होता है, यहाँ पर इन्वर्टर ख़राब हो जाता है। तो अभी हम लोग चेक करने वाले हैं इसका, तो पहले प्रॉब्लम ढूंढेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी इन्वर्टर इंस्टॉलेशन हुआ जाए तो ये पहले हम लोग को ये लाइन चेक कर लेना है। पहले इन्वर्टर इंस्टॉलेशन करना है ना तो पहले इसमें आउटपुट में ये वाले सिग्नल पे फेस नहीं आना चाहिए, इससे हम लोग को रिटर्न करेंट आ रहा है। ये देखिए पूरा वोल्टेज आ रहा है, अभी बल्ब होल्डर नहीं तो आपको चेक करके दिखाई देते हैं। और इसमें फेस आ रहा है 220। चलो मल्टीमीटर अभी हम लोग लगाएंगे और चेक करके दिखाएंगे आपको। और ये देखिए एक MCB पे आ रहा है, ये अपने को कोई ताल्लुकात नहीं है, ये अपना रूम तरफ से आ रहा है, एक दीवार से वॉल से आ रहा है, इसी से हमारा लीकेज है करंट। और ये बंद होने के बाद ये देखिए सप्लाई बंद हो गया ठीक है, इसमें इन्वर्टर वाले पॉइंट पे हमारा शो हो रहा है करंट। तो ये प्रॉब्लम पहले ढूंढना पड़ेगा तब इन्वर्टर का लाइन सॉल्व होगा। मल्टीमीटर में टेस्ट कर रहे हैं, बोर्ड पे न्यूट्रल दिए और इसमें फेस दे रहे हैं 220 आ रहा है, तो ये 100% यहाँ पर लीकेज करंट है। तो उसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है। तो चलो ये वाला जितना भी सर्किट पे पॉइंट गया होगा ना तो उसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा कहाँ कहाँ गया, सबको टेस्ट करेंगे और कहाँ से लीकेज है वो भी हम लोग देखते हैं अभी। तो ये तो हमारा MCB अभी दो को बंद कर दिए, मेन लाइन ऑन है और एक जो प्रॉब्लम है जो 16 एम्पियर का उसको ऑन रखें ठीक है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ का चल रहा है। देखिए हॉल का बंद है इंडिकेटर, मतलब UPS और ये चल रहा है ठीक है, कूलर भी नहीं चल रहा होगा, देखिए कूलर भी नहीं चल रहा है ठीक है।
तो चलो देखते हैं, एक रूम है, मास्टर बेडरूम तो इधर नहीं है, तो एक बच्चे लोग का रूम है ऐसा लग रहा है। तो यहाँ भी इंडिकेटर चल रहा है, तो ये यूपीएस का ये लाइट चल रहा है, सही है यहाँ से। तो अभी देखते हैं, ये सब स्विच लॉक को बंद कर देते हैं, इस रूम पे भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर मेन लाइन नहीं आ रहा है इस रूम पे, तो ये सर्किट ये भी शट डाउन है, मतलब वो वाला जो एमसीबी उठा है और ये वाले में, तो वो समझो जो वहाँ का लाइन है ना पहले वाले रूम का, तो वहाँ का सप्लाई में प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर भी ये इंडिकेटर नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ पर एमसीबी से बंद है। अभी किचन पे है, किचन पे भी स्विच लॉक को ऑन ऑफ करके देख रहे हैं कहीं शॉर्ट सर्किट होगा तो। फ्रिज देखो तो ऑन है ये, देखिए फ्रिज भी ऑन है। अभी इस रूम का लाइन जल रहा है और फ्रिज वाला चल रहा है। ये बाथरूम एरिया का देखते हैं, यहाँ भी इंडिकेटर जल रहा है। तो ये 16 एम्पीयर का स्विच, तो चलो एक दो बोर्ड खोल के देखते हैं जो हमारा लाइन चल रहा है वहाँ से लीकेज तो रहा है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग किचन वाले, बाथरूम वाले, बाथरूम एरिया का और किचन वाले एरिया का खोलेंगे, एक रूम का नहीं खोलेंगे, ठीक है। तो चलो स्विच बोर्ड खोलते हैं यहाँ का और देखते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा। स्क्रू लॉक को हम लोग खोल लेते हैं, चार स्क्रू है, और ये वाला बोर्ड खोलेंगे, उसके बाद बाथरूम जगह का बोर्ड खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोर्ड खोल दिए और हम लोग चेक करते हैं एक एक कंटिन्यू कौन सा फेस है कहाँ का। तो हम आपको बताते हैं, हम लोग को येल्लो वाला फेस दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इन्वर्टर का कौन सा है, ये देखिए रेड वाला ऐसा लग रहा है, रेड वाला फेस है। तो देखिए यहाँ पर लीकेज है, तो हम क्या करने वाले हैं, ये वाला फेस जो है सिंगल करने वाले। देखिए यहाँ पर कहीं भी बोर्ड नहीं है इस रूम पे, देखिए तो चारों तरफ देखिए कोई जगह बोर्ड नहीं है और नीचे में भी कहीं भी बोर्ड नहीं है। तो ये देखिए हम लोग को मिल गया फेस ये है और यूपीएस का वायर ये है, ये हमारा न्यूट्रल है, रनिंग अर्थिंग रेड है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ का एक फेस को हटा देंगे, ठीक है, कहीं से लीकेज होगा तो पता चल जाएगा। तो देखिए ये फेस हटाने के बाद जो है हमारा फैन बंद हो गया, ठीक है। तो ये देखिए अभी भी फेस आ रहा है, तो यहाँ से हमारा कुछ भी लीकेज नहीं है, मतलब ये फेस रिटर्न अभी भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, और एक दो बोर्ड खोल के चेक करना पड़ेगा, हम लोग को ऐसा प्रॉब्लम तो मिलेगा नहीं, हम लोग को सबका बोर्ड खोलना पड़ेगा जहाँ जहाँ इन्वर्टर का जो हम लोग का सप्लाई जा रहा है ना उस बोर्ड पर, क्योंकि ये जो है करंट फ्लो हो रहा है हमारा यूपीएस जब ऑन आउटपुट में हो रहा है ना, तो हम लोग इनपुट वाले एक एमसीबी ऑन किए हैं तो ये शो कर रहा है, तो इससे हम लोग का रिटर्न करंट जा रहा है, ठीक है। तो हम सभी बोर्ड को खोलना पड़ेगा, इस बोर्ड पे प्रॉब्लम नहीं है, चलो दूसरे बोर्ड पे खोलेंगे। तो इस रूम का तो इसमें नहीं है प्रॉब्लम, और इसको हम लोग पैक कर दिए फिर से और दूसरी जगह का चेक करते हैं। तो हम लोग बाथरूम एरिया का देखते हैं, बाथरूम एरिया में भी इंडिकेटर जल रहा है, तीन स्विच है। जानेंगे देखेंगे इन्वर्टर के आउटपुट पे यहाँ पर से 220 वोल्ट आ रहा है, उसको प्रॉब्लम कैसे सोल्व करें। ये डायरेक्ट लाइन आ रहा है, ठीक है, और ये यूपीएस का वायर है और ये हम लोग कनेक्शन खोल दिए, उसके बाद भी हमारा लाइट फैन सभी कुछ चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे, चलो हम आपको पूरा डिटेल बताते हैं वीडियो में, इसको प्रॉब्लम को कैसे ढूंढा जाता है। तो चलो यहाँ पर सप्लाई आ रहा है और ये सप्लाई बंद होना चाहिए तब इन्वर्टर में लगना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर है स्विच और हम लोग देखते हैं इसको ऑन ऑफ करके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो ये लाइट बंद हो गया है, जितना भी इन्वर्टर फैन यहीं से देखिए बंद करेंगे तो ये बंद हो जा रहा है, ये देखिए जैसे हम लोग स्विच बंद किए और ये बंद हो गया। तो ये सामने वाला का कहना ये इन्वर्टर कनेक्शन था पहले बाथरूम पर, और ये यहाँ से हमारा लाइट चल रहा है कि नहीं वो भी देख लेते हैं, बाथरूम पर लाइट चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ से हमारा सप्लाई बंद हो गया, देखिए पूरा लाइट बंद हो गया, शट डाउन, पंखे लुक सब बंद हो गया, जितना भी इन्वर्टर कनेक्शन था वो सब कुछ बंद हो गया। और देखते हैं यहाँ पर हमारा सप्लाई जा रहा है कि नहीं, वहीं पर हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग को प्रॉब्लम तो मिल गया ऐसा लग रहा है, ये देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है और ये देखिए सप्लाई नहीं आना, ठीक है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो चलो प्रॉब्लम वहाँ पर हम लोग बोर्ड खोलते हैं ओपन अप, तो बोर्ड को अभी हम लोग खोल लेते हैं, यहीं से प्रॉब्लम है तो हल्का सा सावधानी बरत ले। चलो यहीं पर देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर घटना क्या घटा है, ये काफ़ी दिन से प्रॉब्लम है ऐसा लग रहा है, जब से इन्वर्टर लगा तब से ऐसा, इन लोग इतना दिन तक कैसे चला रहे थे पता नहीं है। और ये देखिए फेस कैसे लगा यहाँ पर, ये फेस है और ये इन्वर्टर का फेस है,
ठीक है, जैसे ही हम लोग यहाँ पर लाइट ऑन कर रहे हैं तो जितना भी इन्वर्टर कनेक्शन है ऑन हो जा रहा है, देखिए। तो इन लोग ऐसा होगा कभी ये लाइट को बंद करते होंगे, और ये इतना दिन तक ये चल रहा था क्योंकि यहाँ पर एक लाइट है और एक बाथरूम का है, तो ये लाइट ये स्विच को ऑन नहीं करते होंगे, तो गलती से इन लोग ना आज जो है ऑन करके रख दिए थे, तो उसके कारण इन्वर्टर में प्रॉब्लम आए और ये इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है बंद चालू और फैक्चुलेट हो रहा है, आउटपुट पे हमारा सप्लाई जा रहा है। तो ये बहुत दिन से प्रॉब्लम है, जब से यहाँ पर वायरिंग हुए ना उस दिन से प्रॉब्लम है, मतलब ये देखिए इन्वर्टर का। तो इसीलिए बोलता हूँ यहाँ पर सावधानी घटित दुर्घटना घटेगा ज़रूर। और अभी इन्वर्टर जैसा जैसा कैसे कैसे चल गया पता नहीं उड़ भी गया होगा, अभी हम लोग चेक करेंगे आउटपुट डाल के तब पता चले। इसमें हम लोग को इन्वर्टर कनेक्शन एक लाइट को करना है और इसको बाहर यहाँ पर कटिंग कर देते हैं फेस को, और एक स्विच पे इन्वर्टर डाल ही देते हैं, ठीक है। तो ये जैसे हम लोग फेस को, और ये अभी लाइट नहीं जलेगा तब तक हम लोग जाके इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए अभी ये सप्लाई पूरा बंद है, अभी दिखा दीजिए सर, होल तरफ का पूरा पंखे लाइट सब कुछ बंद है और ये बाथरूम का लाइट भी बंद है। अब इन्वर्टर कनेक्शन आएगा तब चलेगा। तो चलो पहले तो इन्वर्टर कनेक्शन करते हैं, उसके बाद ये बोर्ड को पैक करेंगे, और आपको सब चले जाने से वहाँ पर आउटपुट पे हमारा फेस चले जाने से प्रॉब्लम होगा, इन्वर्टर भी बंद चालू होगा, नहीं तो मदरबोर्ड प्रॉब्लम हो जाता। तो चलो वहाँ पर हम लोग इन्वर्टर के पास पहुँचते हैं और इसका कनेक्शन चेक कर लेते हैं एक बार, और इसको सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट लाइन पे चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा फेस नहीं आ रहा है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये करंट है फेस पे, ये इसमें भी देख रहे हैं, इसमें भी नहीं। तो ये फाइनल रिपेयरिंग मतलब ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है, और देखते हैं यहाँ पर प्लगिंग करते हैं और हमारा लाइट जलेगा तो समझो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी टेम्परी ऑन करके देख ही लेते हैं, MCB लॉक को ऑन करते हैं। कौन सा वाला MCB है? ये वाला जो झूल रहा है ये MCB है। तो देखिए जैसे हम लोग ऑन करेंगे ये देखिए लाइट ऑन हो जाएगा, देखिए। तो ये समझे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, और इस तरीके से MCB बंद करने से हमारा लाइट भी बंद हो जाना चाहिए। तो चलो हम लोग स्विच से देख लेते हैं, जैसे हम लोग स्विच बंद करेंगे तो ये फैन और लाइट जितना भी इन्वर्टर कनेक्शन है ऑफ हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका फाइनल, और अभी हम लोग बोर्ड जो खोले थे उसको टाइट कर लेते हैं और वहाँ पर लाइन भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो वहाँ पर प्रॉब्लम था सॉल्व हो चुका और फाइनल हमारा ये प्रॉब्लम मिल गया, तो हम लोग बोर्ड को पैक। देखिए बोर्ड के पास आए और ये देखिए फेस आना चालू हो गया, और आपको दिखाते हैं बाथरूम का लाइट भी चालू हो चुका है, ठीक है। बाथरूम का लाइट भी चालू हो गया, तो इसको बोर्ड को पैक कर देते हैं। प्रॉब्लम था यहाँ पर, ये फेस जो आ रहा था इन्वर्टर पे पॉइंट पे, ठीक है। शॉर्ट इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ये हमारा फेस था ना, जब EPS का फेस आता है तब प्रॉब्लम होता था, लाइन फेस आएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि सिंगल फेस का लाइन था यहाँ पर। तो पैक कर दिए और फिर से हम लोग पहुँचते हैं इन्वर्टर के पास, सो देखते हैं इन्वर्टर चल रहा है कि नहीं तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। मेरे को तो लग रहा है चल रहा होगा क्योंकि हम लोग टेस्टिंग किए थे UPS मोड पर, ये चल रहा था, ठीक है। तो अभी हम लोग देखिए जब भी हम लोग इन्वर्टर इंस्टॉलेशन करते हैं तो ये ध्यान जरूर रखना है, इन्वर्टर का लाइट ऑफ करेंगे ना जो मेन लाइन, तो पूरा घर का लाइन जितने भी UPS का कनेक्शन है वो सब बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। और बाकी लाइट चलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जैसे देखिए इंडिकेटर चल रहा है और ये इन्वर्टर फैन सब कुछ बंद हो गया, और ये ऑन करेंगे तो ये इस तरीके से ऑन होना चाहिए, चलो ठीक है। तो अब इन्वर्टर पर प्लगिंग करते हैं और देखते हैं इन्वर्टर से हमारा ये वर्क कर रहा है नहीं, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है और लगा के देखते हैं अब। चलो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, अब इन्वर्टर पे डाल के देखते हैं हमारा इन्वर्टर चलता है कि नहीं, और इस सबसे पहले स्विच बंद कर लेते हैं और ये प्लग बाहर कर लेते हैं, ठीक है। और इन्वर्टर वाला जो वायर है ना इनपुट वाला वो पॉइंट कर लेते हैं और ऑन करके देखते हैं पहले इन्वर्टर चार्ज हो रहा है कि नहीं। देखिए इन्वर्टर चार्ज हो रहा है यहाँ पर, ये वाला देखिए लाइट, और ये प्लग जो है ये आउटपुट पे लगाने का, पीछे एरिया पे यहाँ पर आउटपुट है उसमें हम लोग को पॉइंट करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग पॉइंट कर लेते हैं, हल्का सा दिक्कत जा रहा है, और ये 16 एम्पियर का है ना, ये प्लगिंग हो गया, हल्का सा दबा देना है और ये देखिए लाइट ऑन हो गया है, ठीक है। देखिए लाइट ऑन हो गया और ये अभी देखते हैं UPS मोड पे कैसा चलता है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्विच जो है ये बंद कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर UPS मोड पर आ गया,
और ये देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अपना, ठीक है। देखिए फैन और लाइट ऑन हो रहा है और ये देखिए यूपीएस मोड पे है, कोई भी ब्लिंकिंग नहीं, कोई भी फ्लैशलाइट नहीं है और कोई भी साउंड नहीं है, ठीक है। और फिर एक बार हम लोग बंद करके देखते हैं और ऑन करके देखते हैं। यहाँ से ऑन कर दिए और ये लाइन मोड पे आ गया देखिए। और अभी हम लोग एमसीबी बंद करके देखते हैं, ये वाला एमसीबी है, ये देखिए पूरा लाइट ऑन है, देख सकते हैं यहाँ पर लाइट और फैन चल रहा है। और उसके बाद ये वाले भी देख लेते हैं, देखिए अभी शट डाउन कर दिए, इसको भी शट डाउन कर दिए। उसके बाद भी देखिए यहाँ पर दो मेन लाइन चल रहा है और ये यूपीएस मोड पे चल रहा है, ठीक है, समझिए ना। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और यहीं पर हम लोग वीडियो समाप्त कर दोस्तों। किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किए देखिए ना, सबसे पहले हम लोग को ये सर्किट चेक करना है यहाँ पर पॉइंट लॉक को, इन्वर्टर लॉक को। उसके बाद पता चला हम लोग को इन्वर्टर का आउटपुट वाले पे शॉर्ट सर्किट है, तो एमसीबी बॉक्स खोलें। एमसीबी बॉक्स के बाद हम लोग चेक किए कौन सा रूम से हम लोग का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर कुछ तो मेंशन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर एमसीबी गिरा के देखें। पता चला ये वाला 16 एम्पियर में प्रॉब्लम था, तो एक रूम को खोलें। उसके बाद हम लोग बाथरूम के पास गए, बाथरूम के पास प्रॉब्लम मिला, तो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो चुका है। और भैया से पूछते हैं कितना दिन तक ये प्रॉब्लम हो रहा था, ये तो लग रहा है वायरिंग था तब से प्रॉब्लम था, इन्वर्टर इंस्टॉलेशन हुआ तो उन लोग को पता नहीं चला, फिर आजकल में पता चला उनको, तो हम लोग को बुलाया गया, तो ये प्रॉब्लम यहीं पर समाप्त हो गया। तो चलो भैया को पूछते हैं प्रॉब्लम कब से है और कितना दिन से प्रॉब्लम चल रहा था। लोग तो सोच रहे थे इन्वर्टर का मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो गया, तो ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और ये चल रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। माइक्रोटेक का इन्वर्टर है और इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हो EV, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और भैया से बात करते हैं कितने दिन से प्रॉब्लम था और किस तरीके से प्रॉब्लम हुआ, तो ये देखिए हम लोग को बुलाया गया था। तो चलो भैया से पूछते हैं ये इन्वर्टर का प्रॉब्लम कब से था और कैसा हो रहा था। धन्यवाद देता हूँ कमलेश भाई को जो कि मेरे घर का वायरिंग को ठीक किए हैं। उसके साथ एक साल हो गया मेरे को इन्वर्टर बैटरी लगाते हुए। बार बार जब भी लाइट जाता था या आता था, आवाज़ करता था, उसके साथ ब्लिंक करके बंद हो जाता था, फिर दो सेकंड के बाद फिर चालू होता था, अप डाउन होता था। मैं बीच में डर गया था कि इन्वर्टर तो ख़राब नहीं है बोल के, फिर भी एक जन को बुलाया था, बोला चेक किया और ओके है भैया आपका, बोला चालू हो गया, हाँ चालू है बोला। अच्छा एक दो महीना फिर चला, फिर बीच में बंद हो गया, तो कमलेश भाई को मैं फ़ोन किया था, तो कमलेश भाई कहीं बिजी थे और मेरे को बताए और सपोर्ट किए कि नहीं भैया एक बार देख लो आपका आउटपुट और इनपुट को, तो चालू हो गया था, स्विच वगैरह कौन सा बंद था शायद क्या है। मगर आज सुबह से वही प्रॉब्लम हुआ, लाइट गया 10 बजे तरफ और बंद हो गया, तो और इनपुट आउटपुट का कोई सवाल नहीं था, पूरा बंद हो गया। तो फिर कमलेश भाई को फ़ोन किए, वो आए और आज प्रॉब्लम हुआ। मतलब एक दो साल से ऐसे ही इन लोग किराए के घर पे रहते हैं, तो इन लोग जब से आए ना तो इन्वर्टर में तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, फिर बाथरूम के पास इनको पता ही नहीं था, वो स्विच जब चालू किए ना तो ये प्रॉब्लम होता था बार, तो बीच बीच में होता था, जैसे महीने चले जाने के बाद एक बीच में जैसे ऑन कर दिए तो ये प्रॉब्लम होता था। अब बाकी समय तो होता नहीं होगा क्योंकि ये स्विच बंद होने से यहाँ पर आउटपुट नहीं आ रहा था, तो ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो गया। देखिए ना कितने दिन तक ये प्रॉब्लम था और इसको तो मेरे को बुलाया गया था, फ़ोन किए थे बस, मैं यहाँ पर आके चेक नहीं करवाया था, और फाइनल चेक करने आए तो हम लोग को पता चल गया प्रॉब्लम है, तो हम लोग सोचे आप लोग को शेयर करते हैं ये वाला प्रॉब्लम, जैसे इन्वर्टर का हमारा आउटपुट में लाइन आता है ना तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपको पता चल गया किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की, हम लोग पूरा स्टार्टिंग से बताएं, जैसे इन्वर्टर से लेके पूरा बोर्ड खोल के हम लोग एमसीबी चेक किए तो पता चला हम लोग को लीकेज करंट हो रहा है, तो उसको सॉल्व कर दिए हम लोग और फाइनल अच्छे तरीके से इन्वर्टर चल रहा था, इन्वर्टर भी प्रॉब्लम नहीं है और अभी भी हमारा लाइट ऑन है, तो बैटरी में टेस्टिंग भी कर लिए और अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छे लगे दोस्तों चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऐसा ऐसा रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहते। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।